हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कौशल वॉल्ट। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी ड्रेस बनाएंगे। आप देख सकते हैं इसका लुक कितना ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। सबसे पहले हमने देखिए ये कैप बनाई है, साथ ही साथ कान्हा जी के लिए चोली बनाई है और ये प्यारी सी पैंट भी बनाई है। तो मैं कान्हा जी को ये ड्रेस पहनाकर दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आ रहा है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने लड्डू गोपाल जी को ये सुंदर सी पोशाक पहनाई है और आप देख सकते हैं हमारी कान्हा जी इस ड्रेस को पहनकर कितने अच्छे लग रहे हैं। इसका लुक बहुत अच्छा आया है। साथ ही साथ कान्हा जी की स्लीव्स भी ढकी हुई हैं और ये जो ड्रेस है इसे गले तक एकदम कवर हो गया है, जिससे कान्हा जी को बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। इस ड्रेस को बनाना बहुत आसान है, मैंने एकदम सिंपल तरीके से ये ड्रेस बनाना बताया है। तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी आसानी से ये ड्रेस बनाकर कान्हा जी को पहना सकेंगे। अगर आप ड्रेस से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिजाइन विंटर स्पेशल ड्रेस बनाना शुरू करते हैं। ड्रेस बनाने के लिए हमने देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये फर वाला रुमाल ले लिया है। ये बहुत ही खूबसूरत रुमाल है, साथ ही साथ काफी मोटा होता है और आगे और पीछे दोनों तरफ से इसमें फर होता है, जिसकी वजह से ये बहुत सॉफ्ट भी रहता है। तो इससे बनी हुई जो ड्रेसेस हैं वो कान्हा जी के लिए सर्दियों में बहुत ज्यादा आरामदायक रहती हैं और उन्हें बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती है। मैं ओपन करके दिखाती हूँ। देखिए, ओपन करने पे इसका लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब मैं रुमाल की टोटल लंबाई और चौड़ाई भी आपको बता देती हूँ। तो देखिए, इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो टोटल चौड़ाई है वो 9 इंचेस यानी कि 9 इंच है और इसकी जो लंबाई है वो 9.5 इंच यानी कि 9.5 इंच है। अब हमें यहाँ नीचे की तरफ से मार्किंग करनी है, तो ऐसे हम मेजर करेंगे और 3.5 इंच यानी कि 3.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। ऐसे ही यहाँ किनारे तक हमें 3.5 इंच पे मार्किंग करनी है, फिर सारी मार्किंग्स को मिला के हम कट करके निकाल लेंगे कपड़े को। रुमाल को कट करके हमने दो पीसेस में डिवाइड कर लिया है। यहाँ नीचे की तरफ से हमने जो 3.5 इंच का एक पीस कट किया है, इसे हम कान्हा जी के लिए पैंट बनाएंगे और ऊपर का ये जो रुमाल का कपड़ा बचा हुआ है इसको हम साइड में रखेंगे। इसे हम कान्हा जी के लिए चोली और कैप बनाएंगे। तो सबसे पहले हम पैंट बना लेते हैं। ऐसे पलटकर हम पीछे की तरफ से इसको रखेंगे और यहाँ ऊपर से देखिए ये जो कटिंग वाली साइड है इसको हमें एक बार फोल्ड करना है और इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है, जिससे कि यहाँ से ऐसे कपड़ा निकलेगा नहीं और ड्रेस जल्दी खराब नहीं होगी, वरना ये देखिए इस तरीके से निकलता रहता है और पैंट खराब हो जाती है। तो सबसे पहले इस तरीके से हम एक बार फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। ऊपर से फोल्ड करके सिलाई लगाने के बाद अब हमें इसको देखिए इस तरीके से ऐसे एक बार मोड़ना है एकदम बराबर करके, फिर हम एक बार और मोड़ेंगे। फोल्ड करने के बाद इधर से देखिए ये ओपन वाली साइड है और इधर की तरफ से फोल्डेड वाली साइड है। तो जो फोल्डेड वाली साइड है यहाँ पे नीचे की तरफ जहां से इंटरलॉक है यहाँ हमें वी शेप में कट लगाना है। तो आप चाहे तो मार्किंग करके भी कट लगा सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी कट लगा सकते हैं। इस तरीके से एकदम छोटा सा हम कट लगाएंगे, हमें बड़ा कट नहीं लगाना है। तो इस तरीके से एकदम छोटा सा कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका लुक देखिए कुछ ऐसे आ जाएगा। यहां और यहां दो जगह पे वी शेप में कट हो गया है। अब हमें इसको पलटकर पीछे की तरफ से रखना है और हम इसमें इलास्टिक लगाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये वाई की पतली वाली इलास्टिक ले ली है। ये आपको मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाएगी, पर अगर आपके पास इसमें की इलास्टिक नहीं है तो आप कोई भी दूसरी इलास्टिक यूज कर सकते हैं। अब ऊपर की तरफ से हमने ये जो फोल्ड करके सिलाई लगाई है ना, यहाँ पे हम ऊपर से थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर इलास्टिक को रखेंगे और सबसे पहले किनारे पे लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद अब हमें एकदम टाइट करते हुए इस तरीके से इलास्टिक को खींचना है और फिर इलास्टिक के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे। हमें ध्यान रखना है जितना ज्यादा टाइट करते हुए हम अच्छे से खींच कर फिर इलास्टिक के ऊपर सिलाई लगाएंगे, पैंट में उतनी ही ज्यादा अच्छी फिनिशिंग आएगी। ऊपर से हमने थोड़ी सी जगह छोड़ दी है, उसके बाद हम इस पे सिलाई लगाएंगे। ऊपर की तरफ से हमने देखिए इसमें इलास्टिक भी लगा ली है। अब हमें इस तरीके से इसको सीधा करके रखना है
और बीच में से एकदम बराबर करते हुए हम फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ किनारे से ऐसे हम एकदम बराबर करके इसको रखेंगे और ऊपर से लेके यहाँ तक हमें सिलाई लगाकर इसको जॉइंट करना है। किनारे की तरफ से सिलाई लगा के हमने इसको जॉइंट कर लिया है। अब यहाँ बीच में देखिए, ये जो हमने वी शेप में कट किया था ना, इसको एकदम बराबर करते हुए इस तरीके से हम रखेंगे और दो तीन बार अच्छे से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेंगे, जिससे कि यहाँ से खुले नहीं सिलाई और इसमें मजबूती आए। सेंटर से हमने ये जो वी शेप में कट किया था, यहाँ पे भी दो तीन बार अच्छे से सिलाई हमने लगा ली है। अब एक बार हम ऐसे कट लगाएंगे, हमें ध्यान रखना है सिलाई नहीं कटनी चाहिए। इस तरीके से हम सेंटर में कट लगाएंगे, जिससे कि हमें इसको पलटने में भी आसानी होगी और जब हम इसको पलटेंगे तो इसका शेप भी एकदम परफेक्ट आएगा। कान्हा जी इसको पहनकर बहुत ही अच्छे लगेंगे। तो अब हम इसको पलट कर सीधा कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारी कान्हा जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिजाइन पैंट बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम कान्हा जी के लिए चोली बनाएंगे। चोली बनाने के लिए हमने रुमाल का बचा हुआ पीस ले लिया है। अब जिधर से हमने कटिंग करके पैंट के लिए कपड़ा निकाला था, उधर की तरफ से ही हमें मेजर करना है और फिर से हम 3.5 इंच पे मार्किंग करते हुए एक पीस कट करके निकाल लेंगे। साढ़े 3 इंच पे मार्किंग करते हुए हमने देखिए फिर से एक पीस कट करके निकाल लिया है। अब यहाँ ऊपर की तरफ से जो रुमाल का कपड़ा बचा है, इसको अभी हम साइड में रखेंगे। इसे हम कान्हा जी के लिए कैप बनाएंगे और यहाँ पे जो हमने फैब्रिक कट किया है, तो सबसे पहले इधर की तरफ से हमें इसको फोल्ड करना है और सेंटर में लेके आना है। आप चाहें तो सेंटर में मार्किंग भी कर सकते हैं। फिर इधर की तरफ से भी हमें एकदम बराबर करके फोल्ड करेंगे और इसको सेंटर में लेके आएंगे। ध्यान रखना है हमें एकदम बीचों बीच में होना चाहिए ये। फिर हम सेंटर से भी इसको फोल्ड करेंगे और एकदम बराबर करके इस तरीके से रखेंगे। अब देखिए, इधर की तरफ से फोल्डेड वाली साइड है और इधर की तरफ से ये ओपन वाली साइड है। तो जो ओपन वाली साइड है, यहाँ पे हमें स्लीव की कटिंग करनी है कान्हा जी के लिए। तो सबसे पहले यहाँ ऊपर से हम हल्का सा तिरछे में ऐसे मार्किंग करेंगे। एकदम किनारे तक नहीं करना है हमें, 1 इंच तक करना है। मैं आपको मार्क करके दिखा देती हूँ, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। देखिए इस तरीके से 1 इंच पे यहाँ पे हम मार्किंग कर लेते हैं और फिर यहाँ से ऐसे तिरछे में मार्किंग कर लेंगे। ये हो गया। अब यहाँ नीचे की तरफ से, तो देखिए ऐसे हम 1/2 इंच पे एक मार्किंग कर लेते हैं और अब यहां से लेके ऐसे हमें इसको मार्क करना है। मैं आपको पास से दिखा देती हूं, आप देख सकते हैं यहां से ऐसे हमने मार्किंग की है और ऊपर की तरफ से ऐसे मार्क किया है। अब हमें ऊपर की तरफ से ये जो हमने मार्किंग की है, इसको पहले कट कर लेना है। ये हमने कट कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमने मार्किंग की है ना, सेम ऐसे ही हमें इधर की तरफ भी मार्किंग कर लेनी है। मार्क करने के बाद जब हम इसको ओपन करेंगे तो इसका शेप देखिए कुछ ऐसे आएगा, एकदम बराबर होना चाहिए। आगे की तरफ से मैं आपको दिखा देती हूँ, देखिए ये एकदम ऐसे बराबर सेंटर में होना चाहिए। और ये जो हमने पीछे में मार्किंग की है, तो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक हम इस पे सिलाई लगा लेंगे। दोनों तरफ से हमने देखे किनारे पे सिलाई लगा ली है, जहां पे हमने मार्किंग की थी ठीक वहीं पे हमने ये सिलाई भी लगाई है। अब हम इसको किनारे से कट करके निकालेंगे। हमें ध्यान रखना है थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे इस तरीके से। इधर की तरफ से भी हमने जो सिलाई लगाई है, तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए हम कट करेंगे। कट करने के बाद अब यहाँ ऊपर की तरफ से हमें स्लीव की कटिंग करनी है। तो ऐसे जब हम ओपन करेंगे ना, तो ओपन करने पे आप देख सकते हैं यहाँ से ये जॉइंट है, तो इसको हम कट करके अलग कर लेंगे। जहाँ तक हमने सिलाई लगाई है, सिर्फ वहीं तक हमें कट लगाना है इस तरीके से। ऐसे तो यहाँ से देखिए हमने इसको कट कर लिया है। अब इधर की तरफ से यहां से यहां तक हम कट लगाएंगे। कट करने
करने के बाद हमें फिर से देखिए इसको ऐसे फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करते हुए यहाँ पे हमने ये जो शोल्डर्स की कटिंग की थी ना दोनों तरफ से तिरछे में, इसको भी हम सिलाई लगाकर इसको जॉइंट करेंगे। दोनों तरफ से शोल्डर्स पे भी हमने सिलाई लगा ली है। अब हमें इसको पलटकर सीधा कर लेना है इस तरीके से। तो सीधा करने के बाद देखिए चोली का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा। अब यहाँ ऊपर की तरफ से गले पे और यहाँ नीचे से ये कटिंग वाली साइड है जिसको ढकने के लिए हम इसमें लेस लगाएंगे। तो मैंने ये देखिए ये वाइट कलर की पॉम्पॉम लेस ले ली है। ये मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है और इसका लुक भी बहुत अच्छा लगता है। पर अगर आपके पास इसमें की लेस नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी वाइट कलर की लेस भी लगा सकते हैं। ऐसे करके हम इसको यहाँ पे रखेंगे और नेक पे यहाँ से यहाँ तक लगा लेंगे। इसके साथ ही साथ यहाँ नीचे की तरफ से भी कमर पे हम यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेस लगा लेंगे। ऊपर गले पे और नीचे की तरफ से कमर पे हमने लेस लगा लिया है। अब आप देख सकते हैं जैकेट का लुक बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रहा है। अब आगे की तरफ से इसको बंद करने के लिए हम इसमें टिप टैप बटन लगाएंगे। तो मैंने ये देखिए ये टिप टैप बटन ले लिया है। अगर आपके पास ये नहीं हो तो आप इसकी जगह पे हुक या वेलक्रो भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमें दोनों ही पीसेस में टिप टैप बटन लगाना है जिसे कान्हा जी को जैकेट पहनाकर आगे की तरफ से हम इसको बंद कर सके। कैप बनाने के लिए हमने रुमाल का बचा हुआ पीस ले लिया है। अब यहाँ नीचे की तरफ से देखिए जो इंटरलॉक वाली साइड है इधर से हम मेजर करेंगे और 6 इंच यानी कि 6 इंच पे मार्किंग करेंगे। ऐसे ही ऊपर की तरफ से भी हमें इसको मेजर करना है और 6 इंच पे मार्किंग कर लेनी है। अब इन दोनों मार्किंग को मिला के हम एक पीस कट करके निकाल लेंगे। कट करने के बाद हमें बीच में से बराबर करते हुए इसको फोल्ड करना है और किनारे से सिलाई लगाकर जॉइंट कर लेना है। किनारे से सिलाई लगा के जॉइंट कर लिया है हमने। अब ये जो इंटरलॉक वाली साइड है उसको हमें नीचे की तरफ रखना है और ऊपर की तरफ से ये जो कटिंग वाली साइड है यहाँ पे हमें इसको लॉक करना है। तो थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर ऐसे हम सुई धागे से इसको टक करेंगे। मैंने डबल करके धागा डाला है जिससे कि इसमें मजबूती आएगी। ऐसे ही अब हमें चारों तरफ से इसको टक कर लेना है, फिर हम खींच के इसको टाइट करेंगे और लॉक कर लेंगे। लॉक करने के बाद जब हम इसको पलटकर सीधा करेंगे तो देखिए कान्हा जी के लिए बहुत ही सुंदर सी कैप भी बनकर बिल्कुल तैयार है। तो देखिए फ्रेंड्स कंप्लीट होने के बाद ड्रेस का लुक कुछ ऐसे आ जाएगा।